बड़ी खबर आपको निर्भया केस से जुड़ी हुई बता दें, दोषी मुकेश की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। याचिका में मुकेश की ओर से कहा गया था कि घटना के दिन वो राजस्थान में मौजूद था, लिहाजा वो घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं था, इसीलिए उसकी फांसी पर रोक लगा दी जाए। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट है, माफ कीजिएगा ये, और 20 मार्च को होने वाली है मुकेश को फांसी, उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। चारों दोषियों को सुबह 5:30 बजे 20 मार्च को फांसी दी जाएगी। दोषी मुकेश, उन चारों दोषियों में से एक दोषी है मुकेश, उसने याचिका में कहा था कि घटना के दिन, वारदात के दिन वो यहां मौजूद नहीं था, यानी कि दिल्ली में नहीं था, वो राजस्थान में था, लिहाजा उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। एक दिन बचा है, एक दिन, 19 तारीख यानी कि कल का दिन बचा है सिर्फ। 20 तारीख को फांसी दी जाएगी चारों दोषियों को सुबह 5:30 बजे, लेकिन उससे पहले लगातार कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं, दावपेच लगा रहे हैं, और पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से इस दलील को खारिज कर दिया गया है। चार दोषियों में से एक दोषी मुकेश, जिसने याचिका में कहा था कि वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद नहीं था बल्कि वो राजस्थान में था, लिहाजा उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। 20 मार्च को आपको बता दें कि फांसी होनी है चारों दोषियों को, और ये चौथा डेथ वारंट है। लगातार फांसी होने से पहले इसी तरीके के कानूनी हथकंडे अपनाते रहे हैं, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि सभी के विकल्प खत्म हो चुके हैं, और उससे पहले ये सभी अपने अपने कानूनी हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।